कैंट थाने पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि थाना समाधान दिवस में कुल 10 मामले आए, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद, किरायेदारी, दुकान को खाली करवाने को लेकर आए थे, जिसमें 2 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी अन्य मामलों में दोनों पक्षों को बुलाकर बात की जा रही है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे आए थे जिनका कोर्ट में ही निस्तारण किया जा सकता है, उनको कोर्ट जाने के लिए बताया गया। उन्होंने कहा, थाना समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है, जनता की समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, लोग अपनी बातों को अधिकारी के समक्ष रख रहे हैं। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, रामपुर वाले में 9:30 की जगह 9:30 रुपया जिसका नाम चल रहा है आवश्यक नहीं, जो बेच भी दिया आपके रोक भी रहा उसकी कोई मतलब नहीं है, रकबा भी ज्यादा बेच दिया। और ये 116 में पड़ता है, जबकि वो पड़ता है 115 में, 116 वहाँ से मिलता है। ये इतना विवाद है कि जबरदस्ती टिकट लगाने से रोक रहे हैं, क्या नहीं है ये क्यों रोक रहे हैं, ये तो यही रोक रहा है, ये कौन रोक रहे हैं, कह रहे हैं 116 में पड़ रहा है। ये हमको लग रहा है 2011-10 में है, ठीक है सर, ये छुपा गए इसी तरह, इनकी जिसकी जमीन होती है सर बॉन्ड नहीं हो रखे, तो जब वो वो जमीन उपाधि की जमीन कुछ अपने पास जमीन प्रॉपर्टी डीलर वालों को 13 प्रॉपर्टी डीलर वालों को दिया गया, ठीक है, तो इन लोग रास्ते के चक्कर में हम पापा जी से वही रास्ता प्रॉपर्टी डीलर वालों कहानी समझाओगे हम लोग करोगे नहीं सर, जमीन नहीं दोगे कब्जा, पिताजी तुम्हारे बेच के गए हैं, बैनामा करके गए हैं, नहीं दोगे, पिताजी नहीं रहेंगे तो उनका लड़का देखेगा उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ये थोड़ी कह के बच जाओगे पिताजी चले गए तो जमीन चलेगी, रास्ता चला गया बैनामा फर्जी हो गया। पिताजी के मरने के बाद, पिताजी के मरने के बाद तुम्हारी वरासत नहीं हुई है? नहीं हमारी कुछ नहीं है, है नहीं हुई, मम्मी के नाम से है सर। अरे हमको ना बताओ, ठीक है, वरासत कैसे होती, किसके नाम होती, सब हमें पता है, हमें ना समझाओ, बताओ अगर लड़के और अविवाहित पुत्री सबका नाम आता है। अभी ये बताओ इनको रास्ता नहीं दिलवाएंगे, जमीन वापस कर देंगे, जमीन वापस कर देंगे, चलो आज की रेट में पैसा दो इनको, पैसा दे देंगे आज के रेट में दो, उसका आज का मूल्य दो ना? आज के मूल्य पे दो पैसा, ये थोड़ी होगा कि 11 साल पहले उन्होंने 4 लाख में खरीदा था, 4 लाख रुपया तुम देके पूछ पा जाओ, तो रही है सारी महीना में कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है सर, ठीक है नहीं होता है, अभी बताओ यही तुरंत, अरे जाके आप कब्जा लीजिए, नाम ले जमीन थोड़ा सा निकाल के बाहर पेमाइज करो, आपके आपने थाने की जमीन ऐसी पेमाइज कराओ भाई, कौन कर रहे हैं, लड़का का मार निकाला है,
गोरखपुर के कैंट थाने में पहुंचे और यहाँ पर अभी लगभग 10 के आसपास मामले आ चुके हैं जो कि मैक्सिमम भूमि संबंधी विवादों के हैं और उसमें से 2 का तो अभी निस्तारण किया जा चुका है, बाकी में दोनों पक्षों को बुलाया गया है और दोनों पक्षों की उपस्थिति में उसका भी निस्तारण किया जाएगा 16 समझौते के आधार पर। और जो मामले ऐसे हैं जिनमें किसी कोर्ट में जाकर निस्तारण हो सकता है उसमें आवेदकों को सूचित किया जा रहा है कि आपका निस्तारण किसी कोर्ट में ही हो सकता है, तो उनको ये बताया गया आप कोर्ट में मुकदमा करके उसका हमको प्राप्त कर सकते हैं। सर किन तरह के मामले अधिकतर भूमि संबंधी विवादों के मामले हैं या मकान पे कब्जे का खाली कराने का मामला है जो कि कोर्ट से डिसाइड हो सकता है, इसी तरह के मामले ज़्यादा हैं।